भागलपुर जिले में सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा स्नान करने के दौरान कई घरों के चिराग बुझ गए। भागलपुर के दो अलग अलग घाटों पर चार किशोर गंगा स्नान करने के दौरान गंगा की तेज धार में बह गए, जिसको लेकर एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहला हादसा भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पुल घाट का है, जहां दो मित्र रजौन का फंटूस कुमार और 0 माइल के गोपालपुर का दिलीप साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद गंगा स्नान करने पहुंचा। इसी दौरान गंगा की तेज धार की चपेट में फंटूस आ गया, जिसको बचाने में दिलीप भी गंगा नदी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं दूसरी घटना जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर घाट की है, जहां एक लॉज में रहने वाले दो मित्र 16 वर्षीय विक्रम कुमार और 16 वर्षीय आदर्श कुमार बूढ़ानाथ मंदिर घाट पहुंचकर गंगा स्नान करने लगा और इसी दौरान सेल्फी लेने वक्त विक्रम गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आ गया। विक्रम को डूबता देख आदर्श उसको बचाने के लिए गया और वो भी उफनती गंगा की चपेट में आ गया और दोनों किशोर देखते ही देखते गंगा की तेज धार में समा गया। हम लोग मतलब घर से आए थे, मतलब इनके दोस्त हैं, मतलब इनके रूम में रहते हैं, रूममेट नहीं है, मतलब लॉज जो है इनका, उनके लॉज के रूम के बगल में रहते हैं, तो इनसे उनका बात विचार है। मेरे दोस्त नहीं है, मेरे भैया लगते हैं। तुम बताओ भाई, तुम बताओ, तुम्हारे बगल में रहते हैं, यही लॉज में रहते हो? कहाँ पर लॉज है ये? हाँ बताओ। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे आए थे, हम लोग रूम से 9 बजे तक मतलब आ चुके थे, यहाँ नहा रहे थे, उसके बाद लगभग 1 घंटा तक ना आए। उसके बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग बोले कि सबको कि चलो अब। उसके बाद जब यहाँ आ गए कपड़ा लेने के और चप्पल, तो देखते हैं वो नहीं था, तो हम पूरा गर्जने लगे सुखे सुखे, तो फिर तुरंत गए नीचे हम लोग पानी में, खोजे नहीं मिला, फिर गए पूरा खोजे 1.5 घंटा तक नहीं मिला, तब उसके घर में फोन किए। कैसे हुआ सारा घटना? हम लोग बचपन से घर आए, जोर से बोलो, घर आए फिर खाना खाया, वो वाला गंगा जी चलो नहाने के लिए, हम बोले घर में हम जाएंगे तो हम नहाएंगे ना, हम छो फिर आए और नहाने के लिए, तो ये पहुँचो काम कपड़ा रखे रहे थे, नहाए नहाए हम यहाँ खड़ा रहे, ये लोग देखा कि उसका दोस्त बेटा, ये लोग देखा उसको खींचते चलो ऊपर, रस्सी को ऊपर गया, ये भी जा रहा था, उसको नहीं कि उसको ये नहीं जाने दिया, उसका दोस्त बेटा फिर तीनों बोल रहा कि तीनों बोला कि तीनों डुबकी मारा, हम देखे ना डुबकी मारा, डुबकी जो मारा ना वो बीच में था, डूबा उस बीच में था और दोनों दोस्त बगल में था, तीनों जो डूबा ना दोनों दाब के दोनों दबा हुआ था, ये निकल गया, दोनों बाहर निकल गया, दोनों बाहर निकला तक इशारा किया, इशारा किया हम समझे नहीं कि वो कहाँ है, इशारा किया तो हमने समझा, फिर बाहर निकला, बाहर ना दी बोला कि वो फंटूस ना है, फिर हम अपना कपड़ा खोल के फिर हम घुसे खोजे पूरा पानी में नहीं मिला, बाहर खोजे भर वहाँ तक पुल तक नहीं मिला, फिर इसको हम गार्डन को खोल। कोचिंग से कितना बजे निकले थे? हम निकले 8:30 बजे। और घर से कितना बजे आए थे घाट नहाने के लिए? हम 10 बजे आए थे। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हां, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर।